तो भाइयों और भाइयों की बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम किसी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आपको ऐसी पांच स्किल्स बताऊंगा जो एज ए इंजीनियर आप सीख सकते हैं आजकल के जो लॉकडाउन की सिचुएशन है इसके अंदर। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डिसेंडिंग ऑर्डर एट नंबर 5। द स्किल विच यू कैन लर्न इज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस। नाउ एज एन इंजीनियर, जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज भी आती हो। अब अगर आपने पहले से अपना कोई प्लान किया हुआ है कि आपने इस कंट्री में जाना है और वहाँ जाके आपने कोई काम करना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ की लैंग्वेज को भी सीखें ताकि आप वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो आजकल के दिनों में आप ये चीज़ सीख सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, जो कि नेट के ऊपर इजीली अवेलेबल भी होंगे। एट नंबर 4 इज़ द मार्केटिंग स्किल्स। अब आप एज एन इंजीनियर जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो अब आपको उसको बेचना ही है ना, आपने उसका अचार तो नहीं डालना ना, तो उसके लिए आपको उसको प्रमोट करना होगा, यानी कि आपको उसकी मार्केटिंग करनी होगी। तो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये कोई कोर्स करें, यानी कोई बैचलर्स की डिग्री हासिल करें मार्केटिंग करने के लिए, या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर इनरोल्ड हो जाएं इसको सीखने के लिए। आप घर बैठे भी जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ये चीज़ सीख सकते हैं, जो कि आपको कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर एज ए फ्री भी अवेलेबल होंगे, या फिर आप उन वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से आप मूवीज़ और टीवी सीरीज़ डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। नंबर 3 पे जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब ज़्यादातर इंजीनियर्स जब भी किसी जॉब इंटरव्यू पर जाते हैं तो उनके पास एजुकेशन नॉलेज तो होता ही है, मगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू कैन लर्न टू इम्प्रूव दिस स्किल। इसके लिए भी आपको इंटरनेट पे कई सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल होंगे, और इसको सीखने के बाद आप अपने अपने घर में इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने यानी कि पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपने जो कुछ सीखा है उसको आप चेक कर सकेंगे कि कितना अच्छा आपको ये आता है। नाउ ऑन नंबर 2 इज़ टू लर्न द सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर एडिटिंग कह सकते हैं आप। अब आप अगर सोचोगे कि इंजीनियर का ग्राफिक डिज़ाइनिंग से क्या काम है, अब जैसा कि डिजिटल मीडिया का दौर है तो आपको अपनी नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए इस मीडियम को जो है वो यूज़ करना होगा, यानी जो कुछ आपको आता है या जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उसकी आप जो है वो एक कोर्स बना के ऑनलाइन वेबसाइट्स पे डाल सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी अपना चैनल बना के वो चीज़ जो है वो लोगों को दिखा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर बेसिक जो एडिटिंग होती है वो आनी चाहिए, या फिर अगर आपको अपना कंटेंट जो है वो और अच्छे तरीके से दिखाना है तो उसके लिए आप सिंपल सी एनिमेशंस भी सीख सकते हैं जो कि आपके कंटेंट को मोर इन्हेंस करेगी। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं इंटरनेट के अंदर, जैसे कि अडोबे की जो है वो वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा अगर आपको एडिटिंग करनी है तो उसके लिए जैसे सिंपल एडिटिंग के लिए फिल्मोरा यूज़ होता है, विंडोज़ फिल्म मेकर हो गया, ओपन शॉट हो गया, लाइट वर्क्स हो गया, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप अपनी एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने जो कंटेंट आपने बनाया उसके लिए। नंबर 1 पे जो स्किल है जो कि एज ए इंजीनियर सबको आनी भी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी भी है, वो है इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना। अब जैसे कि आजकल के दौर में जो है वो हर काम कंप्यूटर पे होता है, तो इंजीनियर्स का भी काम आसान करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो वो किसी भी चीज़ को बनाने, डिज़ाइन करने या फिर टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अलावा उसको सिमुलेट करने के लिए भी जो है वो कई सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो एज ए इंजीनियर आपको इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में इन सॉफ्टवेयर्स के बगैर तो इंजीनियर का कोई गुजारा ही नहीं है, तो ये सॉफ्टवेयर्स तो आपको ज़रूर आने चाहिए। अब अगर इन सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए तो ये भी बहुत सारे हैं, यानी कि डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है, जैसा कि ऑटो कैड है, सॉलिड्स वर्क्स है, एंसेस है, मैट लैब है, WES है, और भी कई सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डिफरेंट इंजीनियर के लिए उसके अपने पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं,
और मैंने भी अपने चैनल के ऊपर ऑटोकैड का एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि आप देख के ये चीज़ सीख भी सकते हैं, या फिर और भी डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स पे या यूट्यूब पे ही आप बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी सीख सकते हैं। यार आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।